सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन और आज हम करेंगे गार्डली पर लाइव मॉक RRBPO का। और आप लोग भी लगाना, कल तक रहेगा ये, शाम रात को 8 बजे तक, और 14 तारीख को इसका रिजल्ट शो हो जाएगा आपके रैंक वगैरह। ठीक है, फिलहाल करते हैं मॉक स्टार्ट और देखते हैं हमारा कितने अटैम्प्ट हो पाते हैं। लेवल इसका ठीक होना चाहिए, अगर नॉर्मल इसके गार्डली के मॉक जैसा हुआ फिर तो फिर वही कमी अटैम्प्ट हो पाएंगी। ठीक है, अभी करते हैं जल्दी से स्टार्ट और आप लोग भी लगा लेना, फ्री है ये बिल्कुल। ठीक है, सो फुल स्क्रीन इसको कर लेते हैं और ये कैसे आ गया। ठीक है, रीजनिंग का हम पहले करेंगे, तो ये है मीनिंगफुल वर्ड का स्किप और फर्स्ट जो है पजल है 9%। ठीक है, डेजिग्नेशन वाली CEO हो गया, GM, DM, AGM, SM, मैनेजर, AM, PO, क्लर्क, ठीक है, क्यू इज डेजिग्नेटेड एज क्लर्क, तो क्यू आ जाएगा इधर, और एटलीस्ट 5% एल और क्यू, 1, 2, 3, 4, 5, क्यू एल इधर, एल इधर, एल इधर, क्यू इधर। ठीक है, एज मैनी परसेंट एज इन सीनियर टू एल, जूनियर टू पी, 1, 2, 1, 2, P, इधर P, ये गलत हो जाएगा, ये बनेगा नहीं, क्योंकि एज मैनी पर्सन R और P सेम एज द J और R, तो R इसका बीच में है, J इधर, और क्या फिर क्या बोला है, R हु इज़ जूनियर टू L, R इज़ जूनियर टू L, R आएगा नीचे, और O इज सीनियर टू SM, वो इनमें से कहीं पे आएगा। ठीक है, एंड डेजिग्नेटेड इमीडिएटली जूनियर टू J, छः के इमीडिएट जूनियर है वो। एक सेकेंड, इधर क्या कहाँ गए, एंड जूनियर टू जे, तो जे के इमीडिएट, एक सेकेंड, ओ इज सीनियर टू SM एंड इज डेजिग्नेटेड इमीडिएट जूनियर टू जे, तो ओ इमीडिएट जूनियर होगा जे के, इस तरीके से बोला है, who is senior to SM and designated immediately senior to senior, बोला है junior में बार बार वो बोलना पड़ रहा था, who is immediate senior to J। ठीक है, तो O इधर भी आ सकता है, J फिर इधर, और R, 1, 2, R इधर आएगा नहीं, तो O, J इधर, R इधर, अब इसमें कैसे बनेगा, P, R और J क्योंकि होने चाहिए ऐसे, O इधर, J इधर, फिर बीच में आर इधर, अब ओ इधर जे इधर तो बनेगा नहीं, तो ओ जे बीच में आ जाएगा, आर ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, एन इज सीनियर टू एम, एन इज सीनियर टू एम हो गया, बट नॉट सीनियर मोस्ट, तो एन सीनियर टू एम हो गया, एन सीनियर टू इधर एम, मोर देन 2% जे और के, जे और के मोर देन 2 हो गया, जे और के इधर होगा नहीं, तो ये बन गया, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्लर्क टू हम एन पर्सन आर रिमेंस पोजिशन। ठीक है, तो जे के एल हो गया एक, तो एम एन ओ पी हो गया, ठीक है ये दो हैं, तो एक तो है डी एम और ए एम, डी एम ये रहा, और ए एम भी है, तो बहुत सी ओ डी होगा, एस एम कौन है हमारा, एस एम है जे, आर और पी, आर पी हो गया, एन एल, एन एल हो गया, ओ आर, ओ आर गलत हो जाएगा, सीनियर मोस्ट बताना है कि, ठीक है, पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन द इमीडिएट सीनियर टू क्यू, इमीडिएट सीनियर टू क्यू, ये एम और इमीडिएट जूनियर टू एन, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, एज मैनी एल और आर में एल और आर नहीं होगा, जे और क्यू, जे और क्यू 3 है नहीं होगा, एन और पी 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा। वट विल बी द रिजल्ट एंड इज द प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड, थर्ड लेटर सेकेंड वर्ड है डी, डी का है हमारा 4, इज एडिड टू द प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट लेटर सेकेंड वर्ड राइट एंड, फर्स्ट लेटर सेकेंड वर्ड राइट एंड, एफ 6, 10 आ जाएगा इसका। द पोजिशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर ऑफ ईच आर इंटरचेंज, ठीक है, ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, और फर्स्ट वर्ड
फ्रॉम द राइट हैंड, इधर से बताना है फर्स्ट और सेकेंड चेंज करना है, तो सेकेंड से स्टार्ट करेंगे ए बी, ठीक है, यू सबसे बड़ा लास्ट में आएगा, फन आएगा लास्ट वाला, ठीक है, सी इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो एक तो हो गया कोल्ड एक, तो ये होगा नहीं चीट, ये हो जाएगा दो, तो ये नहीं होगा कोल, तीन हो जाएंगे, ठीक है, इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल राइट टू लेफ्ट, ओके, ठीक है, हाउ मैनी रिमेंस अनचेंज, तो ए एक तो ये हो जाएगा, फिर बी वाला इधर आ जाएगा, सी डी ई एफ, एफ इधर, एच इधर, दो बनेंगे ये जो कि सेम पोजिशन पर रहेंगे, ठीक है, फिर एक ये है तो इसको अभी मार्क कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, एट लेटर, ठीक है, नाइन और टेन, नाइन टेन नाइन टेन, फिर नाइन टेन नाइन टेन, चार मंथ कौन कौन से हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फेब, मार्च, फिर अप्रैल, ओके, और एन वाज पोस्टेड आफ्टर नाइन फेब, नाइन फेब इसमें, और बिफोर नाइन अप्रैल, एक दो तीन इनमें से हो सकता है, एन इधर भी, इधर भी, एन इधर भी, ओनली थ्री लेटर वर पोस्टेड, ओ और एन में तीन है, एक दो तीन ओ, इधर ओ, एक दो तीन ओ, ओनली फाइव ओ के, तीन दो पाँच के, तीन दो पाँच इधर के हो जाएगा, तीन दो पाँच के इधर, और फिर क्या है, पी वाज इमीडिएट बिफोर के, पी इधर, पी इधर, पी इधर, एज मैनी पर्सन आफ्टर पी बिफोर एम, ये ख़त्म, पी बिफोर एम, एक दो छोड़ के एम, फिर पी, तो ये वाला भी ख़त्म, ठीक है, J was posted after Q, which is posted after L, ठीक है, तो L, Q और J, ये बन गया 10 अप्रैल को J, फिर है how many letter posted before P, एक दो तीन चार पाँच, after L नहीं होगा, same as Q और K, ये भी नहीं बनेगा, after M, एक दो तीन चार ये बन गया, ठीक है, एम वॉज पोस्टेड डैश मंथ बिफोर के, एम वन टू मंथ बिफोर के, ठीक है, तो फिर ये है, इसमें है एल जो कि जनवरी, एल जनवरी सही है, पी टेन, पी टेन भी ठीक है, के अप्रैल, के अप्रैल भी, क्यू नाइन, क्यू कहाँ, क्यू नाइन ये टेन है, लेटर वो पोस्टेड इमीडिएट आफ्टर क्यू, एन, एन जो कि नाइन मार्च, ठीक है, फिर क्या बताना है हमें, पेयरिंग का है तो एस हो जाएगा नाइनटीन, ई फाइव, एन फोर्टीन, फिर नाइनटीन आई नाइन, टी ट्वेंटी नाइन, यू ट्वेंटी, यू बी ट्वेंटी टू, ई फाइव, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस, पच्चीस, नहीं बनेगा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, नहीं, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, नहीं बनेगा, उन्नीस, बीस, इक्कीस, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, नौ, दस, ग्यारह, बारह, नहीं बनेगा, फिर है बीस, इक्कीस, बाईस, बीस, इक्कीस, नहीं बनेगा, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, नहीं, बाईस, ये भी नहीं बनेगा, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, सिर्फ दो ही बने इसमें, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये, तो इसमें क्या है, ओनली अ फ्यू केसर, बीस के होल केसर, रंगरेज और सम बी आर रैंडम, ठीक है, ऑल बी कैन बी आर, ऑल बी रंगरेज है ये, तो ये था रैंडम, ऑल बी कैन बी रंगरेज, ये हो सकता है सम रंगरेज बीइंग रैंडम, सम रंगरेज रैंडम इज ए पॉसिबिलिटी, सही है, बोथ होगा इसका, फिर है ओनली अ फ्यू रिवर सी और ऑल सी ओशियन, फिर है सम रिवर लेक, ठीक है, ऑल रिवर बिंग ओशन, ऑल रिवर बिंग ओशन इज ए पॉसिबिलिटी, लेक सी नहीं है, ओनली वन, सम शुगर कैंडीज, ओनली फ्यू कैंडीज, आइसक्रीम, नो आइसक्रीम केक, ठीक है, सम केक कैन बी शुगर, हो सकता है, और
फिर है सम कैंडीज आर नॉट केक, सम कैंडीज आर नॉट केक सही है, ये भी बहुत हो जाएंगे इसके। कहाँ है लास्ट ऑप्शन होगा, फिर है ओनली अ फ्यू एग हैं, और फिर है नो डक हैं एग, सॉरी नो डक एग, और ओनली फ्यू और सम डक आर हैं, सम डक इज हैं, तो ये इस तरीके से मिलेगा इसमें, ठीक है। तो सम एग आर नो डक, सम एग इज नोट डक सही, ऑल हैन आर डक, ऑल हैन इज डक, ये होगा नहीं, ओनली वन होगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं, सोइन है ओनली फ्यू सॉफ्ट क्लीन, तो ओनली का है फिर केस ये रिफ्रेश हो जाएगा, सम सॉफ्ट स्मूथ स्मूथ है, फ्यू क्लीन स्मूथ, क्लीन स्मूथ नहीं पता, ऑल रिफ्रेश स्मूथ नहीं, तो ये आएगा नाइदर नो। फिर सर्टेन नंबर पर्सन आर सिटिंग इन ए लीनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और फोर पर्सन एक्स और वाई है, वन टू थ्री फोर, एक्स एक दो तीन चार, वाई एक दो तीन चार, इधर एक्स इधर वाई, और जेड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई हो जाएगा इधर जेड, ओनली वन पर्सन एक्स एंड पी, पी इज नॉट एडजेसेंट टू जेड, ओनली वन पर्सन एक्स एंड पी, पी इधर आ जाएगा, एक्स और पी इधर दोनों तरफ बन सकता है, तो इधर वाई एक दो तीन चार, एक्स और पी इधर, और ओनली फोर पर्सन एक्स और पी, ये तो हो गया था हमारा, ठीक है, ओनली फोर पर्सन एक्स और, एक सेकेंड, ओनली वन पर्सन एक्स एंड पी, पी इज नॉट हो गया, सिक्स पर्सन पी और ओ जो कि एंड पर बैठा है, सिक्स पर्सन पी और ओ, एक दो तीन चार पाँच छः किधर बनेगा नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, अब उधर बनेगा नहीं, एक दो तीन चार पाँच, तो इधर एक इसके दो बनेंगे, एक्स वाई एक दो पी एक्स, एक दो तीन चार पाँच छः ओ, एक दो तीन चार पाँच छः फिर ओ, ठीक है, और एम सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ चेड, एम आएगा इधर, एम इधर इमीडिएट लेफ्ट, एम एम इधर आ गया, एज मैनी पर्सन राइट ऑफ वाई सेम एज लेफ्ट ऑफ एम, तो लेफ्ट ऑफ एम एक है वाई का, ये गलत हो गया, लेफ्ट ऑफ एम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, और एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है, लेफ्ट ऑफ एम राइट ऑफ वाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अब राइट ऑफ वाई एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, फोर पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल, एक दो तीन चार एल, एक एक दो तीन चार एल आ गया, और एल हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एन, वन टू थ्री एक छोड़कर, अरे ऊपर भी तो बनाना था, तो लेफ्ट में है चार, एक दो तीन चार क्या बोला था फोर, तो एल आ गया इधर और एन आ गया इधर, फिर क्या है नॉट मोर देन टेन पर्सन सिट टू द राइट ऑफ भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इसमें ज़्यादा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ये भी ज़्यादा, ये बन गया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस आएंगे टोटल, तो कितने हैं ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर एरा क्या हुआ, अमंग द फॉलोइंग सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एम, वन टू थ्री वाई, वाई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, वन टू थ्री होगा, फिर एडजेसेंट टू जेड एम, ओ सिट नाइन टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ पर्सन फ्रॉम द राइट, तो नौ और चार तेरह, राइट एंड तेरह, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस बारह तेरह जेड आएगा, तेरह पोजिशन ऑफ, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ पी,
from the right hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 हो जाएगा ये P. 8th position कहाँ है ये? अब greater than C Z, greater than C सही है. और फिर है W greater than X, W greater than X सही है. दोनों के दोनों सही होंगे. Either नहीं both. फिर Q greater than M, Q greater than L, L greater than M either उड़ जाएगा फिर इसका. S equals to Q ये बनेगा नहीं. T greater than equals to P, T greater than ये भी नहीं बनेगा. Neither nor. फिर है 8 person है जो कि sitting around है. Around square table 2 person are sitting each side. ठीक है, but not necessary. Some of person are facing inside outside. Not more than 2 person are adjacent. Not more than 2 person adjacent are facing the same direction. तो इसको हम करते हैं mark. चलते हैं आगे. ठीक है, एक ही क्वेश्चन है हमारा. द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ, अच्छा 6% है जो कि ये है, डिफरेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स है. क्यू ओ इज मोर, 3 पॉइंट्स देन एन. ओ हैज 3 पॉइंट्स देन एन. नंबर ऑफ पॉइंट्स एल इज ट्वाइस ऑफ एन. ठीक है, पी हैज मोर पॉइंट्स देन क्यू. क्यू विच डज नॉट, डजेंट हैव लेस पॉइंट. तो क्यू भी ज़्यादा होगा ओ से. ओ पी डजेंट हैव हाईएस्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6 पी इधर आएगा नहीं. ठीक है, फिर क्यू हैज 3 मोर पॉइंट्स देन एल. क्यू के पास 3 ज़्यादा एल से. और एल डजेंट हैव मोर पॉइंट्स देन ओ. तो एल जो छोटा होगा ओ से. ठीक है, इस तरीके से. और द नंबर ऑफ, फिर क्या बोला है इसने, द विलेज सेकेंड लिस्ट. सेकेंड लिस्ट के पास 4. ठीक है, 4 इधर हैं. और एक सेकेंड इधर देखते हैं. क्यू के पास एल से ज़्यादा है, ओ के पास एन से ज़्यादा है. ठीक है, अब एन इधर आ जाएगा क्योंकि एल के पास डबल है एन से. एक बनेगा, पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी. अगर इधर हम इसको एन ले लेते हैं. ठीक है, अगर इधर एल ओ और फिर क्यू पी बनेगा तो ऐसे ही, क्योंकि फिर ये एन नहीं तो बचा कौन सा, एम इधर आएगा. अब एल के पास 2 हैं तो एन के पास हमारे पास क्या आएगा, एल के पास 4 हाफ हो जाएंगे, 2 जाएंगे एन पे. और एन पे 3 और 2 5 हो गए ओ पे. एल पे है 4, 3, 7 हो जाएंगे क्यू पे. बस ये बन गया हमारा. ठीक है, फिर देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पॉइंट्स विलेज ओ एंड क्यू इज सेम. और क्यू का डिफरेंस है तो सेम होगा क्यू और एम के. क्यू और एम का तो यानी कि हो जाएगा 9. हाउ मेनी पॉइंट्स पी है, पी के पास हो जाएंगे 8. बी इसका आएगा ना 9, इसके पास 7, 8 बच गया. फिर है इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन पी इज ट्वाइस ऑफ एल. पी इज ट्वाइस ऑफ एल यानी कि एल या 4 तो 8 ही हो जाएंगे. देन द सम ऑफ द पॉइंट्स एन एल और पी. एल और पी हो गया 8, 10, 14 हो जाएंगे. फिर क्या है, हाउ मैनी विलेज हैव मोर पॉइंट्स देन विलेज क्यू. 1, 2 दो बना दी. और फिर बचे कौन से हमारे, तो ये देखते हैं हम. एक तो जो कि 8 पर्सन है जिसमें 3 मैरिड कपल है. एफ इज डॉटर ऑफ ई. एफ इज डॉटर of E. E is the only nice of H. Only nice of H. ठीक है, H who is unmarried. और A is uncle of G. A जो कि uncle हैं G के. G is the, G who is granddaughter of C. G granddaughter नहीं, sorry daughter. G is the daughter of C. C is the only sister-in-law of D. सी जो कि ओनली सिस्टर इन लॉ है डी की. ठीक, इस तरीके से आएगा. और डी हु हैज नो सिबलिंग. डी हु हैज नो सिबलिंग, तो इसका सिबलिंग फिर ये बनेगा नहीं, तो फिर कैसे बनेगा भाई ये.
या तो इसका कोई हो और फिर इधर डी आए, ये अलग है। ओनली सिस्टर इन लॉ, तो इसी तरीके से बन सकता है ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए इज ब्रदर इन लॉ is brother-in-law of B, B who is the father-in-law of E, B जो कि father-in-law होगा E का, ठीक है। E has sorry B has only one child and no sibling, तो अभी बनेंगे कैसे? B आ गए ये इधर, EH जो कि अनमैरिड है और डी हैज नो सिबलिंग, डी का कोई सिबलिंग नहीं है, डी तो डायरेक्ट इसके साथ मैरिड होगा। ये तो समझ से बाहर जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। काम करते हैं, पॉइंट करते हैं हम शुरू, इसको छोड़ते हैं, अभी टाइम ख़राब हो रहा है फालतू में। प्लस सिक्स हो गया और फिर यहाँ पे प्लस टू वन, प्लस ट्वेल्व, प्लस फोर वन, तो इसमें क्या हुआ इनटू, तो 14, 12, 6, 8, 10 होना चाहिए था, ये दोनों गलत है इधर, पहला सही ठीक है, दूसरा 16 गलत आएगा इधर, फिर है इनटू, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, फिर ये पाँच टाइम होना चाहिए 168, देखते हैं 5, 8, 5, 40, 4, 6, 30, 34, 3, 5, 3, 800, ये है नहीं तो ये गलत हो जाएगा, फिर 7, 2 और 1, 12 प्लस 21 प्लस 31 प्लस 1 और 3 प्लस 4 आएगा, सॉरी 1 और 4, फिर प्लस 5 ठीक है, तो 20 ये गलत हो जाएगा, 11 आएगा इधर, 37 गलत ठीक है, फिर है ये आएगा प्लस 121 प्लस 18, फिर प्लस 2 इधर 11 आ गया, 9 आ गया, तो ये दोनों गलत, 1, 2 सही है, 156 गलत हो जाएगा यहाँ से, फिर ये देखते हैं इंटू 2 हुआ, फिर इंटू ये कितना है 1.5, बड़े से देखते हैं इधर 8, 3, 24, 8, 4, 32, 8, 4, 4, 4, 16, 1, 32, 33, 333, 60 आ गया, फिर हाफ और ऐड करेंगे 4, 2, 0, 0, 8, 7, 3, तो ये 4, 4.5 गुना हो गया इसका, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 इंटू 4.5 है, अब ये इधर ये कितना है 240 को 3 करेंगे, 4, 3, 12, 1, 3, 2, 4, 1, 7, 120, 0, 4, 8, तो ये हो गया 3.5 ठीक है, इधर 2.5 होगा, 2.5 है, फिर 1.5 हो गया, फिर इधर 0.5 होगा ना, तो इधर 100 कितना आ चाहिए था 128, तो ये 32 नहीं आएगा, इसको स्किप करते हैं ठीक है। अब ये दोनों माइनस माइनस है ख़त्म, इसमें 10 उस तरफ जाएगा, 45 5 गया 9, प्लस माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ से दोनों प्लस प्लस 5 और 3, 8, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, ठीक है। अब और ये दोनों पहला प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, 2 और 1, 4 और 3 एक्स ग्रेटर देन वाई, फिर इसमें करते हैं नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई, 10x-4y इक्वल्स टू 64, 2x+4y इक्वल्स टू 68, दोनों को ऐड कर देंगे 12x इक्वल्स टू 12 और 6 दिन 12 13, 1 और 11 आ गया,
ठीक है, अब 11 दूनी 22, 68 में से 22 जाएगा 6, 4 डिवाइड बाय 4, तो इधर 2, 3 बड़ा आएगा ये, 5 ग्रेटर देन x, फिर ये हो जाएगा 9, दोनों तरफ स्क्वेयर और प्लस माइनस 4 और 4, x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो इनको स्किप करते हैं, फिर है एक ये, तो जो कि टोटल टोटल नंबर ऑफ ब्लैक गिटार दे रखे हैं हमारे पास, तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गिटार्स ब्लैक एंड ब्राउन और सोल्ड बाय ईच मंथ, 40% ऑफ गिटार इज ब्लैक, 40% जो कि ब्लैक हैं। तो एक काम करते, पहले निकाल लेते हैं इनका मंथ दे रखे हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। फर्स्ट वाला एक ब्लैक हो गया, सेकंड एक ब्राउन हो गया, तो 2000 है, 15 दूनी 30, 300, और 2 दूनी 400, 16 दूनी 32, यहाँ से 25, 500, 24 दूनी 48, ठीक है ये हो गया। अब क्या बोला है इधर, ईच जो है, ईच सोल्ड इन ईच मंथ 40% ऑफ द गिटार आर ब्लैक, तो 40% 2/3, तो ये हो गए ब्लैक, बच गए हमारे पास ब्राउन, तो 150, 450 हो जाएगा ये, अब 200, 600 हो जाएगा ये, 2 की वैल्यू 160, 160 48, 480, तो इधर 250, 750, इधर 240, 24 से 72, ठीक है ये आ गया। बताना क्या है, डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक गिटार फैब, ब्लैक गिटार फैब हो गया 400 माइनस टोटल नंबर ऑफ ब्राउन गिटार अप्रैल, ब्राउन अप्रैल, तो 400, 350 आ जाएगा ये। टोटल नंबर ऑफ गिटार सोल्ड जनवरी, जनवरी में 0547, इज वॉट परसेंट मोर ब्राउन गिटार फैब, ब्राउन गिटार है फैब में 1 तो 150 हो जाएगा डिफरेंस, 601/4 आएगा 25। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गिटार सोल्ड इन अप्रैल, टोटल नंबर अप्रैल 0512 टू द टोटल नंबर ऑफ ब्राउन गिटार सोल्ड इन जनवरी, ब्राउन गिटार जनवरी, तो 4, 5, ठीक है 9, इधर आएगा 25:9। फिर है आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ ब्लैक गिटार सोल्ड जनवरी, ब्लैक गिटार हो गए 300, ठीक है 20% गिटार आर सोल्ड, 20% कितना हो जाएगा, 3 6 60, 60% जो कि गिटार सोल्ड करते हैं, 20% लॉस पर, -20%, ओके 45% ऑफ 45, तो 135 हो जाएगा इसका, और वो है 10% प्रॉफिट पर। तो क्या रिमेनिंग कितने बच गए, 5, यहाँ 3, 9, 1 105 हो गए, 105 जो कि 20% प्रॉफिट, ठीक है। बताना क्या है, शॉपकीपर अर्न ओवरऑल प्रॉफिट दे रखा है इसका, ये पोस्ट प्राइस बतानी है, ठीक है। तो इसका इधर 6 दूनी 12 माइनस का 13.5, और इधर 7.5 करेंगे तो 1/5, 2 और 1, इन दोनों को यहाँ से 12 देगा, 8 और 1 9, 9 ऐड करेंगे तेरह पर 22, 22.5 की वैल्यू है, 11250, 22, 5, 10, 4, 4, 8, 1, 9, इधर आएगा 4, 5, 9, 5, ठीक है 500 आ गया इसका, ओके। फिर नेक्स्ट इसी पे है क्या, द टोटल नंबर ऑफ गिटार सोल्ड इन जून, जून आगे 20% मोर देन द फेब, फैब भी है 1000, तो 1200 हो जाएगा। और फिर है एवरेज नंबर ऑफ ब्लैक गिटार मार्च और जून, ब्लैक मार्च और जून में है 800 है टोटल, तो कितना बच गया 480, ये बच गया 5, 6, 720, तो बताना है ब्राउन गिटार 720 आ जाएगा। ये करते हैं, साढ़े 12, 1/8, 1/8 हम करेंगे
इसका तो दोनों हाथ पंजे ठीक है, फिर प्लस 45% दे रखा है 320 का, 0 से 0 9 2 16 16 निम्न 144 25 5 4 9 6 169 ठीक है, फिर है 30 इंटू 16 3 48 ठीक है, और 15 8 120 तो ये हुआ 600 में से 180 जाएगा 0 2 5 420 फिर 90 इंटू 120 12 निम्मे 108 प्लस 3 इंटू 45 135 और 8 5 13 ठीक है, 3 और 1 4 2 8 5 ठीक है, और 53 यहाँ से जाएगा तो 190 बचेगा, फिर है 14 इंटू 54 14 तो 56 5 14 75 75 तो यहाँ से है फिर 33 16 33 16 0 6 और यहाँ से कितना आएगा 5 25 डिवाइड बाई 80 8 3 24 8 2 16 32 यहाँ से आ गया 12 इंटू 35 12 5 60 6 2 36 6 2 12 420 आ गया, और फिर इधर कितना है ये 29 इंटू 2 9 2 18 1 2 4 5 8 7 4 478 और फिर है एक ये है, तो इसमें देखते हैं हम क्या दे रखा है, लाइन ग्राफ है जो कि और नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय दो दे रखे हैं ठीक है, तो एक है पी क्यू आर एस टी एक हो गया पब्लिक एक आ गया प्राइवेट ठीक है, और टोटल टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमारे पास है ब्लू लाइन तो 2 4 6 56 हो जाएगा, इधर है 32 ऊपर है 60 इधर आएगा 42 इधर आएगा 50 ठीक है, अब क्या दे रखा है परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ का है परसेंटेज कितना है इधर 40 है, 56 का 40% अगर निकालेंगे 0 2 5 कटा तो नहीं वैसे ये तो 100 में या टेंस में ये दे रखे हैं, लाइन ग्राफ शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर एंड तो ये कट तो नहीं रहा, पॉइंट में थोड़ी ना आएंगे बंदे, अब ये देना तो चाहिए यार, या तो 0 लगेगी 1 0 लगेगी 2 0 लगेगी, अब ये पता नहीं क्वेश्चन में भी नहीं दे रखा कहीं पे, हिंदी में देखें हिंदी में दे रखा हो तो दिया गया लाइन ग्राफ 5 अलग अलग शहरों यानी पी क्यू आर एस ओ टी में कर्मचारियों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कुल संख्या को दर्शाता है, और 5 अलग अलग शहरों में सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत भी दिया गया है, तो यार ये तो कट ही नहीं रहा, अगला देखें अगला क्या दे रखा है, ये तो पहला तो 56% हो गया, एक सेकेंड 56 नहीं 40 था और 60 40% था ठीक है, अगला है 60 पर ये भी नहीं कटेगा, तो या तो एक काम किया जाए 0 लगा देते हैं इसके पीछे ठीक है, अब 560 का 40% देख इसका रखा है पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक का हम ये लिख लेंगे 0 से 0 0 0 6 24 2 5 20 21 22 224 हो गया 4 में से, चलो इसको बाद में देख लेंगे, और अगला है 60% तो 3 2 0 into 60 0 जाएगा 6 2 12 1 6 3 18 19 192 हो गया, और अगला है 2 4 6 36 6 का 36 6 6 36 3 6 3 18 19 20 सॉरी 21 अगला है 50% तो 210 हो जाएगा, ये भी 210 हो जाएगा,
नेक्स्ट कितना है 32, 32 और 5 का 5 दूनी 10, 1 5 के अंदर 16, क्यों 160 माइनस करेंगे 340 इधर आएगा, 10 तो ऊपर देते 10 में से 4 या 6, 5 में से 2 या 3, और यहाँ कितना आएगा 4, 4 नहीं आएगा 5 यही आएगा ठीक है, 10 में से 2 या 8, और यहाँ कितना बचेगा 1 2, तो 1 2 और 12 ठीक है, और इधर 10 में से 6 गया 4, 9 में से गया 8, 5 में से 3, 3 2 5 और 6 बन गया ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन पी, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन पी 336 इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज इन टी, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज इन टी कितना ज़्यादा है 160 में से माइनस कर दें 6, 4 3 7 और 1 160 इंटू 100 0 0 पब्लिक 4 4 इधर 4 11 110 आएगा इसका ठीक है, और फिर क्या दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एल 75 जो कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एल, एल तो हमारे पास गिवन ही नहीं है ठीक है, तो एल है 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन टाउन आर, आर भी हमारे पास है 600, 600 का 3 बटे 4 करेंगे 15 की 45 आ गया ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज आर और एल, आर और एल के हैं 216, इसको फाइंड आउट करना है 6 और 5 करेंगे 6 दिए और 6 जब 36, 36 से मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, 3 6 दिए 18 सॉरी 5 3 15, 16 17 18 तो 180 हो गया ये 15, 5 2 7 3 ठीक है सॉरी 2 आएगा, और पूछा क्या है फाइंड द नंबर प्राइवेट सेक्टर 270 आ जाएगा इसका, फिर है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन एस, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन प्राइवेट सेक्टर एस में है 210 और पब्लिक सेक्टर पी, पब्लिक सेक्टर 224 इधर 5 2 से काट देते हैं तो 105 आएगा, और 112 7 पर गया 15 16 15 और 16 आ जाएगा इसका ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन पी, एवरेज नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज प्राइवेट सेक्टर पी में 336 और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन आर, आर में 384 6 4 10 4 12 3 7 360 आ जाएगा, फिर तो कौन सा बचेगा एक ये क्वेश्चन बचे इसका, तो आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन क्यू, क्यू जो कि प्राइवेट सेक्टर कितने हैं 128 जिनमें से 25% तो 128 का 1/4 3 एंड 2 30 जो कि एक फीमेल है और बचे हुए 6 90 ये हो जाएंगे मेल, फिर क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ द मेल एंड फीमेल इन क्यू, क्यू का मेल फीमेल 320 है डिवाइड बाय 10 तो 32 आ जाए 32 7 और फिर 32 3 3 दूनी 6 3 3 9 7 दूनी 14 1 21 और 22 ठीक है, मेल है 96 तो ये है बच गया कितना 4 4 8 21 9 के 12 32 यहाँ से जाएगा तो आएगा 4 और 6, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन द पब्लिक सेक्टर, मेल एम्प्लॉयज ये निकाले हमें 128 दोबारा देख लेते हैं 4 4 हो गया और फिर यहाँ गया 11 2 फिर एक ठीक है, तो अब हमें क्या करना है 6 मिनट बची हुई है अर्थमेटिक देख लेते हैं, पजल तो वो मुझे नहीं लगता बनेगी ठीक है, या पजल देख लेते हैं फिर एक बार, पजल में क्या था पेज नंबर, पजल में था 8 पर्सन हैं जो कि आर सिटिंग अराउंड ए, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड, 2 पर्सन सिटिंग ऑन ईच साइड, ईच साइड बट नॉट एसेसिबली द सेम ऑर्डर, सम फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग आउट आउटसाइड नॉट मोर देन 2 पर्सन आर ठीक है, तो
Did I use it third to the left of the blue, where both of them are facing? तो यू इधर भी एक ही डायरेक्शन भी दे रखी होती है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसमें नहीं बन पाएगी। तो एक काम करते हैं, हम ये रहने देते हैं, यही करते हैं। तो ये देखते हैं, इज़ाबेला इज़ 150, तो यानी कि 3 और इधर 2 और इज, ठीक है। द एज ऑफ इसला इज 8 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ 2 सिस्टर हुज टोटल एज इज, एवरेज एज हो जाएगी इनकी 30 और 38 हो जाएगी, 8 ईयर मोर देन द, ठीक है। तो ये होगी इसकी एक की वैल्यू होगी 19, ठीक है। लेकिन फिर बनेगा तो नहीं, टोटल एज तो इनकी एवरेज एज ऑफ 120 आएगा ना, ठीक है। एक सेकेंड, उस टोटल एज इज 60 और एवरेज हो गया इनका 30। द एज ऑफ इज लाइक 8 ईयर मोर देन द एवरेज एज ऑफ 2 सिस्टर हुज, तो एवरेज एज हमने मान ली इसकी 5x/2, तो 8 ज़्यादा है, ठीक है। इसकी प्लस इससे 8 ज़्यादा हो गई, तो ये हो गया। और एक तो हो गई इसकी एज, तीनों दो 5 7 हो गया ना यार, क्या गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। एज ऑफ इज लाइज इतना परसेंट, द एज ऑफ 8 ईयर मोर देन द, छोड़ो आगे देखते हैं क्वेश्चन। ट्रेन इज रनिंग एट 48 किलोमीटर क्रॉसेस अ पोल 33, तो 5/18 हो गया, ठीक है। और 8/3, और यहाँ से 33 ये घटा नहीं लेते, पोल ले लेते हैं, 8 × 40 11, और फिर याद है इसका 440, ट्रेन की लेंथ टाइम टेकन बाय वही 48 × 5/18 520.069x, तो यहाँ से 8/3, 8/1/2/0, 5/24, 24/72। फिर आगे देखते हैं और क्या है, पी एंड क्यू, क्योंकि फिल करेंगे इसे 10 को टुगेदर, पी प्लस क्यू है 16, और इफ द पाइप क्यू वाज क्लोज आफ्टर 12 मिनट एंड द होल टैंक इज फिल्ड बाय इन 18, तो पी प्लस क्यू चला 12 मिनट तक और फिर सिर्फ पी चला 18 मिनट तक, ठीक है। और पी प्लस क्यू 16 में बदलेगा, तो इधर 12 और 18 30 पी प्लस 12 क्यू 16 पी 16 क्यू, इधर पी उस तरफ जाएगा 14 पी 4 क्यू आएगा, पी बाय क्यू कितना आएगा 2/7, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द क्यू अलोन फिल द टैंक, तो पी और क्यू कितना गया 9 × 16 क्यू है 7, कटा तो नहीं, फिर क्या कर दिया 12 और 18 हो गया 30 और 12 इधर 30 14 जाएगा इधर उस तरफ जाके 4, पॉइंट में आया मेरा तो पता नहीं क्यों। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज इतना है, इफ एमिलिया ऑब्टेंड टोटल ऑफ इतने मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स शुड ही गेट इन 6 सब्जेक्ट्स, सो दैट द एवरेज इज 88, तो 88 × 6 8 6 48 4 48 54 52 और
4 4 7 में से माइनस कर देंगे, कितना आ गया 17 17 9 1 1 119। अब ये भी नहीं है इसमें, फर्स्ट फाइव का दे रखा है ये, एवरेज इसका बनाना है ये 58 8 6 48 4 8 48 12 5 28 आ गया, गलत कर दिया ना मैंने इधर, तो उधर से 28 तो ये और 53 यहाँ से 5 8 5 3 8 80 बनाएगा। ये बादाम ना खाया फिर प्लस कितना अटेम्प्ट हुआ 7 और 1 8 3 2 5 58 अटेम्प्ट हुआ, क्या हुआ नेटवर्क को, ये नेटवर्क बड़ा परेशान करता है यार। खत्म ना हो जाए बस अभी, सबमिट भी नहीं हो रहा, क्या दिक्कत होगी, रिफ्रेश कर दिया तो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा शायद से इसका। क्या यार ये भी परेशानी कर रहा है, देखते हैं शायद से पूरा डेटा क्लियर कर देगा। अभी कितने अटेम्प्ट बताए थे मैंने 58, अभी ओपन नहीं हो रहा, भाई ये तो फिर से चालू हो गया। सो गाइस अटेम्प्ट मैंने इतने किए थे 58, ठीक है अब दोबारा से तो नहीं दिया जाएगा पूरा एग्ज़ाम, ठीक है वीडियो बनी गई है आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है पूरा एग्ज़ाम दोबारा से तो दिया नहीं जाएगा मेरे से, ठीक है जो रिकॉर्ड हो गया वो ठीक है। अब तो 58 मेरे अटेम्प्ट हुए हैं, ओके अब गलत सलत जो भी होगा उसमें देख लेंगे बाद में, तो आप लोग बताना आपका कितना अटेम्प्ट रहा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।